Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. And all those things we try forgetting, I remember. But we say we are. Good morning, friends. मैं आपका host और दोस्त Octopus. आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ अपना प्यारा सा चैनल जिसका नाम है Cricket Prediction with Octopus Bhai. आज हम लोग कोई प्रिडिक्ट करने वाला नहीं है. आज का जो टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि कई लोग और कई मेंबर्स और कई लोगों का ये सवाल होता है हर टिपर के लिए कि जैसे पकड़ सबसे बड़ा टिपर हो जाए चाहे सबसे छोटा टिपर, सबकी सब्सक्राइबर और सबकी मेंबर्स के एक ही जवाब रहते हैं, एक ही क्वेश्चन रहता है कि अगर आप इतने ही जानकार हो टिपिंग के मामले में, मैचेस के बारे में, तो आप क्यों खुद क्यों नहीं खेल के लाखों करोड़ों रुपये कमा लेते हो. सभी का ये एक शक रहता है कि आप क्यों नहीं कमा लेते हो, क्यों आप यही करते हो कि दूसरे को टिपिंग देता, आप क्यों खुद कर नहीं खेल लेते हो. आज मैं ये क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ क्योंकि ये जहन में मेरा बहुत दिनों से है कि इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ. और आज मैं कंक्लूजन में आया कि आज इसका जवाब दे ही देता हूँ. ये होता है कि टिपर का एक काम होता है कि टिपिंग देना, टिपिंग देके प्रेडिक्शन देके कमा लेना. उसके अंदर में वो जिगरा नहीं रहता है जो पंथर के अंदर में रहता है. वो जिगरा नहीं रहता है कि खुद खेलूँ या फिर लगा के कमा लूँ, ये जिगरा नहीं होता है. इसलिए वो टिपिंग देता है. अगर वो उसके पास बड़ा जिगरा होता तो खुद खेल के कमा लेता. और कई ऐसा हस्तियाँ है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि पहले टिपिंग देता रहा लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो टिपिंग छोड़ के खुद खेल के लाखों करोड़ रुपये कमा लिया. लेकिन जिसके अंदर जिगरा नहीं है वो टिपिंग करके ही अपना रोजगार, रोजी रोटी चलाते हैं, अपना कमाई का जरिया रखते हैं, क्योंकि उसके पास वो जिगरा नहीं है. और सेकंड ऑफ ऑल ये भी है कि उसके पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होते कि वो खुद लगा सके. और एक रहता है क्या है कि देखिए, कोई कोई टिपर के रहेगा कि 10 मैचेस में से 8 आ जाते हैं. अगर वो 8 मैचेस खुद ही खेल लेने से, वो फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए उसके पास 10 सब्सक्राइबर है, बात की बात 10 सब्सक्राइबर से, एक सब्सक्राइबर से 2000 करीबन करके ले रहा है, तो 10 जोन से कितना हो गया 20000 रुपया. तो 8 मैचेस में कितना हो गया, 8 मैचेस में कितना हो गया 1,60,000 रुपया. अगर वो वही मैचेस 8 मैचेस अगर खुद से खेलते, खुद के दम से खेलते बिना टिपिंग दे के, करीबन पकड़ लीजिए 50,000 करके खेल लेता है तो 4 लाख आता है. लेकिन उसके अंदर में वो जिगरा नहीं है, इसी कारण से वो टिपिंग देता है, टिपिंग दे के कमाता है. और टिपिंग देने में एक फ़ायदा क्या है कि उसके अंदर में एक टेंशन नहीं रहता है. टेंशन तो रहता ही है कि मेरा अगर, हाँ बीच में छूट गया रहा मेरा वीडियो कुछ पप्स या फिर कट हो गया रहा, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि टिपर के अंदर में डर रहता ही है कि अगर मेरा टिपिंग गलत हो गया तो मेरा सब्सक्राइबर या फिर मेरा मेंबर्स या फिर मेरा क्लाइंट हाथ से छूट जाएगा. ये भी उसका जहन में हमेशा डर रहता है, लेकिन तब भी वो अपना बेस्ट देना कोशिश करता है. अगर कोई टीपर अगर 100 में से 100 आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स का भगवान है कि हर मैचेस में उसका 100% एक्यूरेसी होगा, क्योंकि ये दुनिया में तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी दे सकता है. मैं भी खुद दे नहीं सकता क्योंकि ऐसा होने से मैं खुद ही क्यों ना खेल लूँ, खुद ही क्यों ना खेल लूँ. अगर इतने 100% एक्यूरेसी है तो खुद क्यों ना खेल लूँ. यही बात है यहाँ, ये दुनिया में जब तक कोई एक इंसान है, जिंदा जीवित है, कोई का दम नहीं है कि 100% एक्यूरेसी दे दे. अगर 100% एक्यूरेसी दे देता तो कोई टिपिंग ही नहीं देता, वो खुद ही खेलता. वही बात है. तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हर टिपर क्यों नहीं खेलते, यही कारण है, छोटा सा रीज़न है कि उसके पास जिगरा नहीं होता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होता है, और उस वो 100% एक्यूरेसी नहीं होता. ये 3 फैक्ट है जिसके वजह से वो खुद नहीं खेलता है. और टिपिंग देने का यही मतलब है कि टिपिंग देते हैं ताकि उसका 2 पैसा आ जाए और फ़ायदा भी हो जाए. और जब फ़ायदा नहीं होता है उसका खुद का लॉस है. उसमें आप ये गिल्ट कर नहीं पाओगे कि अरे वो बंदा फेक है या फिर स्कैम कर दिया, क्योंकि उसमें तो उसने लिखा हुआ ही है, ऑलरेडी लिखा हुआ है. प्रिडिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन इज अ थिंग दैट ही इज प्रिडिक्टिंग. यू कैनॉट टेक ग्रांटेड दैट पर्सन और द टीपर विल गिव यू 100% एक्यूरेसी, और एल्स यू विल से 100% कन्फर्म्ड रिपोर्ट. ऐसा बोलता है.
और जो बंदा बोलता है कि टिपिंग या फिर माय रिपोर्ट माय आई विल प्रिडिक्ट, इसमें तो आपको ऑलरेडी बता चुका है वो प्रिडिक्ट करेगा। उसमें अगर आपको फॉलो करना है ठीक है, ना फॉलो करना है आपका मर्जी है, इसमें तो उसने कोई आपको रोका टोका नहीं है। हाँ, कोई बंदा आपको अगर 100% कंफर्म रिपोर्ट बताकर अगर आपसे ले रहा है तब तो यह गलत बात है। लेकिन मेरा चैनल और मेरी जितने भी मेंबर्स हैं सबको तो मैं यही कहता हूँ कि मैं तो प्रिडिक्ट करता हूँ, मेरा प्रिडिक्शन है और मेरा एक्यूरेसी तो मैं खुद भी बोलता हूँ कि मेरा खुद का भी 100% एक्यूरेसी नहीं है, तो मैं मेंबर्स को क्या बताऊँ।